राजधानी की हवा इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि इसमें सांस लेना दूभर होता जा रहा है। मंगलवार को भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के साथ साथ NCR की हवा की गुणवत्ता का स्तर भी बेहद गंभीर है। सफर डेटा के अनुसार आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता में चिंताजनक गिरावट देखी गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 तक पहुंच गया है। धुंध छाया हुआ है और सांस से संबंधित चुनौतियां बढ़ गई हैं। और दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज का AQI जो है वो 373 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही गंभीर है। सांस लेना दूभर होता जा रहा है, साथ ही साथ आंखों से संबंधित बीमारी कंजक्टिवाइटिस के भी केसेस बढ़ रहे हैं। दीपावली अभी अभी गुजरी है, जिसकी वजह से हवा की गति पहले से कम हो गई है, ठंड बढ़ गई है और जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता नहीं नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पराली के जलने से भी वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो वायु गुणवत्ता में एक चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। आज का AQI 373 दर्ज किया गया है सफ़र के अनुसार। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए कि धुंध की अभी भी एक मोटी चादर दिल्ली के आसपास के इलाकों पर छाई हुई है। धुंध का ये कोई, इसको स्मॉग कहा जाता है, जिसमें स्मोक और फॉग मिलकर जो धुंध की जो एक काली घटा है वो अभी भी बादलों पर छाई हुई है। और दिल्ली NCR में लगातार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बेहद ख़राब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, क्या जानकारी है अभी आपके पास, क्योंकि IQR एक जो एजेंसी है उसने भी ये कहा है कि सोमवार को जो AQI है वो दिल्ली का दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया है, दर्ज किया गया है। तो अभी क्या हालात हैं दिल्ली NCR के, और अभी भी दिल्ली दमघोटू बनी हुई है? इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो धुंधला एकदम दिख रहा है जो स्मॉग के वजह से। और इम्पोर्टेंट चीज ये है क्योंकि ये कुछ दिनों में AQI लेवल फिर से बढ़ा। इससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा क्लियर हुआ था और 8 साल में पहली बार दिवाली इतनी क्लीन रही थी, लेकिन फिर से ये AQI लेवल बदल रहा है। क्योंकि उसका रीजन है कि जो हवा का दबाव है, हवा जिस तरीके से चल रही है वो बहुत कम है। तो अभी इस वक्त हवा की जो स्पीड है, खासतौर से लोअर एटमोसफेयर में, वो करीब 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन ऐसा ही रहेगा, लेकिन 17 तारीख से हवा की गति और हवा की दिशा दोनों में थोड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। दिशा इसलिए क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा जो ईस्ट से आ रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ इसकी हवा की तीव्रता भी हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, करीब 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमें देखने को मिलेगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन बाद थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। एक छोटा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्लेन्स में, खासतौर से ये नॉर्दर्न प्लेन्स में उतना नहीं होगा। ये हिमालय में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन बाद थोड़ा बेटर होगा, लेकिन अगले कुछ 2 दिन बहुत ज्यादा हम देख पाएंगे कि ये प्रॉब्लम ये रहेगा। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बता रहे हैं कि दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तापस, धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आपके पास फिर से लौटेंगे। तो तापस ये बता रहे थे कि अगले